स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो लेमन ट्री के बारे में है, इसे नींबू का पेड़ भी बोलते हैं। और ये प्लांट दोस्तों मैंने सीड से ग्रो किया था और इस प्लांट को तकरीबन 2 साल के करीब होने को है दोस्तों। और देखिए आप कितना हेल्थी और बड़ा हो गया है, इसकी हाइट भी अच्छी तरह से हो गई है। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा दोस्तों, ये नींबू प्लांट को हम एक हार्ड प्रूनिंग करने वाले हैं, साथ ही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम देंगे कि किस प्रकार की आपको इसकी केयर करनी चाहिए। वैसे इसकी जो गमले की साइज़ है दोस्तों, वो चुनने में बहुत ही खास आप ख्याल रखिए, इसकी गमले की साइज़ है वो थोड़ी बड़ी ही चुने। और जो प्लांट हम सर्वाइव करते हैं उसके मुकाबले गमले की साइज़ है वो जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी तरह से ये हेल्थी और बड़ा होगा। साथ ही दोस्तों, यदि आपको अच्छे फ्रूट और जल्द फ्रूट लेने हो तो कोई ग्राफ्टेड वेराइटी, या तो अभी तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी वेराइटी, बोनी वेराइटी आ गई है, कुछ कागजी वेराइटी भी आ चुकी है दोस्तों, वो तो है ही पहले से ही वैसे ही, तो आप ऐसे प्लांट का चुनाव करोगे तो उसमें जल्द फ्रूट लगेंगे। पर कोई बात नहीं है दोस्तों, यदि सीड से भी ग्रो हो चुका हो, आप केयर करोगे अवश्य ही उसमें अच्छे फ्रूट जरूर लगेंगे। समय थोड़ा लगेगा दोस्तों उसके लिए, आपको वेट करने के लिए, अदरवाइज उसमें फ्लावर तो अच्छे ही बनेंगे, फ्रूट भी अच्छे ही आएंगे दोस्तों। केयर और थोड़ी टिप्स की आपको थोड़ी जानकारी चाहिए दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो कि ये प्लांट कितना हेल्थी है, भले ही मैंने सीड से ग्रो किया हो, अब इसका फ्यूचर अच्छा बना रहे दोस्तों। इसके लिए अभी मुझे इसके लिए ऊपर थोड़ा प्रूनिंग इसलिए ही करना पड़ेगा क्योंकि यदि इसमें मैंने प्रूनिंग अभी नहीं किया तो इसका शेप भी बिगड़ जाएगा। और कुछ ब्रांचेस ऐसे भी है जो खुराक जो रूट्स का होता है वो ब्रांचेस खाम खा ले जाती है, तो उस ब्रांचेस को हटाना होगा, कुछ ऐसे पत्तों को भी हटाना होगा। खास करके जो आने वाले सीजन के लिए इसमें अच्छे फ्रूट, भले ही ये सीड से ग्रो हुआ हो लेकिन आने वाले सीजन में अच्छे फ्रूट इसके लेने हो दोस्तों, तो इसकी प्रूनिंग है वो काफ़ी ज़रूरी होगी। दोस्तों इसमें मिट्टी की बात करूँ तो ज़्यादातर हम जो गमले में प्लांट लगाते हैं उसमें मैं बोलता हूँ कि वेल्डन मिट्टी का प्रयोग कीजिए, लेकिन इस प्लांट में दोस्तों वेल्डन मिट्टी तो होगी लेकिन जो हमारी जो भुरभुरी या तो सेंट वाली मिट्टी होगी उसका रेशियो हमें थोड़ा कम रखना है। और जो प्लांट हम ग्रो करते हैं उसके मुकाबले जो हम ग्राउंड की या तो खेत वाली मिट्टी आती है उसका रेशियो है वो उसमें मैंने 60 से 70% के करीब रखा है। तो इसके लिए ये मिट्टी बहुत ही बेस्ट है, यहाँ की मिट्टी तो मैंने सेंट वाली मिट्टी है वो बहुत ही इसमें कम प्रयोग किया है, 30% के रेशियो पर ही रखा है। और काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका भी ये खुराक इसके लिए बेस्ट है। और इसकी खुराक जब भी आप दें काव डंक या तो वर्मी कंपोस्ट, तो गुड़ाई करके दूसरे दिन दोगे तो इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि मिट्टी है उसमें एयर सर्कुलेशन बनना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप अगले दिन जब भी ये खाद का प्रयोग कर दोगे काव डंक या वर्मी कंपोस्ट का, तो ये बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसमें पानी की बात करूं दोस्तों तो प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इसमें पानी का प्रयोग कीजिए। मिट्टी थोड़ी ड्राई हो उसके बाद आप पानी का प्रयोग कर सकते हो। वैसे इस प्लांट को इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, पर मिट्टी मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी सोगी होनी चाहिए, बहुत ही ड्राई ना हो, एक बैलेंस बनाकर रखना होगा आपको। और जब भी ये फ्लावरिंग पर हो दोस्तों, इसमें फूल लगते हैं आपने देखा ही होगा, वो जब भी ये फूल लगे तब इसमें वाटरिंग है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आप वाटरिंग करोगे तो उस टाइम कोई ना कोई फूल है वो गिर जाएगा या तो कोई अटैक बनने के चांसेस भी रहते हैं, तो ज़्यादा वाटरिंग का भी प्रयोग ना कीजिए। और मैंने अभी जो ग्राफ्टिंग की बात की दोस्तों, क्या ग्राफ्टिंग वेराइटी होती है उसमें फ्लावर है वो जल्द लगते हैं और ये सीड से ग्रो किया होगा उसमें 3 या 4 साल और उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन फ्रूट तो ज़रूरी बनेंगे इसमें भी, लेकिन प्रॉपरली केयर करनी होगी। और धूप छाव की बात करूँ दोस्तों तो ये प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है बहुत ही, आप जहाँ छाव आती हो उस जगह पर ना रखते हुए इसे धूप वाली जगह पर ही रखें। खास करके इतना बड़ा हेल्थी प्लांट हो गया हो उसे तो ज़रूरी आप धूप में रख दीजिए क्योंकि उससे ही इसकी हेल्थ है वो बनी रहेगी। और इसमें कोई जंतुनाशक की या कोई फंगस की बात करूँ दोस्तों तो इसमें भी आपने देखा होगा कि रोज़ प्लांट में डाईबैक की बीमारी आती है, तो इसमें भी डाईबैक आता है, सिट्रस केकर आता है जिससे ब्रांच भी खराब हो जाती है, कैटरपिलर जो पत्ते को खा जाता है, इस तरह के कुछ ना कुछ डिसीज़ है वो बनते रहते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया उतना ख्याल रखोगे तो ये डिसीज़ के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। अब दोस्तों मेन जो हमारा फोकस है वो है कि इस पर हमें प्रूनिंग करनी है, इसका फ्यूचर अच्छा बना रहे और ये एक अच्छे शेप में आए, तो चलिए पहले मैं इसके ऊपर पूरा प्रूनिंग कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। उसके नीचे आप कुछ प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको झलक दिखा दूँ क्योंकि वो भी मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने कुछ भी इसमें ज़्यादा वो नहीं किया है अपने आप। कुछ देखिए इसमें
शायद पोर्सलन का एक कटिंग गिर गया था तो वो भी ग्रो हुआ है, एक दो सीडीज गिर चुके हैं, तो शायद और लेमन ट्री भी इसमें ग्रो हो चुके हैं, तो मुझे निकालना पड़ेगा। एक दो ब्रांच में थोड़ी डाईबैक जैसा मुझे लग रहा है, तो भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको नज़दीक से थोड़ा दिखा देता हूँ कि कुछ ब्रांच जो होती है दोस्तों, उसे भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्लांट अपने आप ग्रो हो चुके हैं, और एक तो देखिए पूरा छोटा सा बेबी नेमल ट्री भी ग्रो हो चुका है अलग से ही, तो भी हमें निकालना पड़ेगा। इसमें से कुछ ब्रांचेस ऐसी होगी दोस्तों, जो ये मेन स्टेप आप देख रहे हो पूरा इस जगह पर, तो उसमें अच्छी खुराक है वो फ्रूट पर लगे, उसका हमें पहले से ही ख्याल रखना होगा। तो कुछ ब्रांचेस ऐसी होगी जो ये खुराक ले जाएगी और सेब भी बिगाड़ेगी, तो फ्यूचर में ये ब्रांचेस का कोई यूज़ नहीं होने वाला है। कुछ और भी मैं दिखा दूँ, तो देखिए ये भी कोई काम की नहीं है। तो ऐसी भी कुछ ब्रांचेस होगी जो खुराक है वो अपना ले लेती है और फ्रूट में कोई आगे मदद नहीं करेगी। इसके फ्यूचर के लिए कुछ ब्रांचेस है वो कुछ काम की नहीं है दोस्तों, तो अभी हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए कुछ जगह से तीन तीन निकल चुकी है और ये कि लंबी हो चुकी है, शायद कैमरे में भी नहीं आ रही है देखिए। तो ऐसी कुछ ब्रांचेस को हटाना पड़ेगा। यहाँ एक मैंने डाईबैक भी देखा था, तो देखिए इस तरह का भी कुछ होता है। तो लेमन में कुछ कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही बारीक होती है दोस्तों, तो पूरे पूरा आज हम इसका ख्याल रखते हुए प्रूनिंग कर देते हैं। तो चलिए पहले मैं प्रूनिंग कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमने काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी लेमन ट्री की प्रूनिंग कर दी है, आप देख सकते होंगे ऊपर की काफ़ी सारी ब्रांचेस हमने हटा दी है, और जो साइड की जो जो भी ब्रांचेस थी वो भी अच्छी मात्रा में हमने प्रूनिंग कर दी है। तो इसके लिए तो पहले तो ये बहुत ही अच्छी शेप में आ गया है, देख सकते हो आप दोस्तों इसका शेप है वो पूरा अच्छी तरह से ट्रे की तरह हो गया है। और अब जाके इसका हमें गुड़ाई करनी पड़ेगी और इसमें अच्छी वाली खाद, तो हम खाद का जो प्रयोग करेंगे दोस्तों काव डंक और वर्मी कंपोस्ट का ही करेंगे। तो पहले मैं इसकी गुड़ाई कर लेता हूँ दोस्तों, आपको दिखाने के लिए ही मैं आज ही इसमें काव डंक और वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको गुड़ाई करके 24 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद आप इसमें काव डंक या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हो। और हमने देखिए कितनी सारी प्रूनिंग कर दी थी, वो पत्तियाँ और ब्रांचेस भी निकल चुकी है, और छोटे छोटे जो प्लांट थे वो भी निकल दिए हैं, एक दो लेमन ट्री के भी प्लांट थे तो भी हमने निकाल दिए हैं। अब और गमले में मैं इसे शेप कर दूंगा। तो चलिए पहले इसे मैं इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करके इसमें खाद डाल देता हूँ। गुड़ाई है वो दोस्तों 1 इंच या आधा इंच के करीब करें, बड़ा गमला हो तो 1 इंच के करीब आप कर सकते हो। देखिए इसमें कुछ रूट्स भी और प्लांट के थे, तो बिना डर के आप गुड़ाई कर दीजिए। इसमें कुछ फंगस वगैरह होगी तो भी धूप में रहेगी तो अपने आप चली जाएगी, और ऐसी कोई फंगस हो तो आप मार्केट से मिलने वाला कोई भी फंगीसाइड पाउडर प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। बस ऐसे करके आपको 24 घंटे तक खुला ही छोड़ देना है इसे, इतनी सी गुड़ाई करके इससे अच्छा खासा एयर सर्कुलेशन बन जाएगा। चलिए आपको दिखाने के लिए मैं काव डंग और वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर देता हूँ। ये पुरानी सड़े हुए पत्तों की खाद है जो मैंने घर पर ही बनाई थी, और ये काव डंग है दोस्तों, काव डंग पुराना वाला हो ऐसा ही पसंद कीजिए।
इसकी अब बहुत ही अच्छी वाली खाद का प्रयोग हमने कर दिया है। जैसे हमें कुछ बेस्ट रेसिपी मिल जाती है तो मज़ा आ जाता है दोस्तों। प्लांट का ही कुछ ऐसा है, और ये सब कुछ चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो कोई सीख कर नहीं आता है। ये सब कुछ गार्डनिंग के दौरान धीरे धीरे आपको सीखने को मिल जाती है। एक प्रयोग करो, दो प्रयोग करो, उसके बाद एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है कि प्लांट असल में क्या चाहता है, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज ये नींबू प्लांट की आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ही हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।